ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं। अब हम जो लंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये पिक के लंग्स हैं। ठीक, इसकी पोजीशन किस तरह के लंग्स की मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। बस ये इसी तरह जो है पूरा दिखाएं एक बारी ध्यान से, मतलब जूम करके देखें उसको। ठीक है, तो इस तरह जो है नहीं, दूर करके ताकि पता लगे किस तरह की पोजीशन होगी। ठीक है, इस तरह ऑब्लिक पोजीशन में होंगे लंग्स जो हैं। तो अब हम लंग्स की बात कर लेते हैं। ये जो है ट्रैकिया आ गया, ठीक है, और ये जो ट्रैकिया के अंदर आप देख रहे हैं, आपको ये व्हाइट व्हाइट रिंग्स दिख रहे होंगे, ये ट्रैकियल रिंग्स हैं। ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं कार्टिलेज को और कोलैप्स नहीं होने देते। इन रिंग्स के बीच में आपको जो ये स्पेस दिख रही है ना, ये एनुलर लिगामेंट है। ठीक है, जो दो रिंग्स को कनेक्ट करके रखेगी। उसके अलावा जो ट्रैकिया है वो कवर्ड रहता है बाय ट्रैकियलिस मसल। ठीक है, अब ट्रैक के नीचे आगे जाके फर्दर जो है वो ब्रोंकस में डिवाइड करता है, और वो फर्दर वो प्राइमरी में डिवाइड करेंगे, ब्रोंकस टर्शियरी, ब्रोंकस ब्रोंकियोल, अल्वियोलर सैक वगैरह वगैरह, वो बात की बात है। ठीक है, और लंग्स की बात कर लेते हैं। ये जो लेफ्ट लंग है और ये राइट लंग है। ठीक है, पहले लेफ्ट लंग की बात कर लेते हैं। जो पिग का लंग्स है ना, अब मैं लेफ्ट लंग की बात कर रहा हूँ, इसके एक बहुत ही पर्टिकुलर फीचर है पिग के लंग का, क्योंकि इसके लेफ्ट लंग में सिर्फ दो ही लोब हैं। ये बिल्कुल, इसके लेफ्ट लंग में दो ही लोब हैं, यानी कि जैसे ये देखिए, आपको एक ये लोब दिख रहा है, एक ये लोब दिख रहा है। कहने को तो ये एपिकल लोब है और ये कार्डियक लोब है, लेकिन ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कि जैसे ये एक ही है, यानी कि लगता है जैसे कि ये दो लोब फ्यूज्ड हैं और एक ही स्ट्रक्चर है। तो जो ये लोब है ना दोनों को, इनको हम फ्यूज्डली जो है इनका एक मतलब इनको हम कलेक्टिवली इनका नाम दिया जो है वो है एपिको कार्डियक लोब। ठीक है, और जो एक ये वाला लोब है ये डायफ्रामेटिक लोब है। ठीक है, उसके बाद अब हम राइट लोब की बात कर लेते हैं। राइट लोब में जो है राइट लंग में चार लोब्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ा वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये है एपिकल लोब, ये वाला आ गया आपका बड़ा वाला डायफ्रामेटिक लोब, ये है कार्डियक लोब, और ये जो आपको पीछे दिख रहा है ये एक्सेसरी लोब है। ठीक है, तो ये तो था इसके अंदर इसके बारे में। अब जो है आपको मैं बताऊं कि जो लंग्स होते हैं वो कवर्ड रहते हैं बाय प्ल्यूरा। ठीक है, प्ल्यूरा जो है इसको कवर करके रखेगी, प्ल्यूरल सैक में, इसमें विसरल प्ल्यूरा और पैराइटल प्ल्यूरा। अब जो इसकी बैक साइड में अगर आप देखें, जहाँ पे दो प्ल्यूरा जो हैं अलग अलग जहाँ पे मीट करेंगे ना, मतलब एक इस साइड की प्ल्यूरा होगी, इस साइड की प्ल्यूरा होगी, उन दो प्ल्यूरा के बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, वहाँ उस स्ट्रक्चर को, स्पेस को हम बोलेंगे मेडियास्टिनम। ठीक है, और मेडियास्टिनम में हार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पिग की। तो इसमें पिग में जो लंग्स हैं इसमें इतना ही है।